गुज्जू थिंग, बैग फुल ऑफ स्नैक्स। मैं कुछ खाता हूँ, लोग इधर उधर चले गए, मुझे भूख लगी, मैं कुछ खाती हूँ। इसमें हमने काढ़ा भर लिया है अपना और ये हमारा बैग पैक हो चुका है। लेट्स गो, लॉक करते। वी आर सो सॉरी। अरे एक्चुअली मेरे ऊपर ना गरम गरम ही गिर गया काढ़ा, इस चक्कर में लेट हो गए। आ रही है, लॉक करके आ रही है। हाय मम्मा, सो सॉरी ब्रो। क्या बोल रहे हो? सीट बेल्ट जरूरी है, सीट बेल्ट जरूरी है। अरे इसको तो बंद करो, कॉपीराइट आ जाता है। ट्रैवल करना भी जरूरी है। ट्रैवल करना भी। हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं बाय द वे? कुछ बताना चाहेंगे? सरप्राइज है ना? सरप्राइज, सरप्राइज हमारे लिए भी सरप्राइज है गाइस, हमें भी नहीं पता है कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं हमको ब्रो। तो एकता मैडम जल्दी आओ। एकता मैडम नहीं जाना, नहीं कब फंस गई पता नहीं। एकता का मन नहीं कर रहा। चलो चलते। मैं गलत नहीं होती हूँ। आई नो ब्रो। नहीं ब्रो नहीं, मुझे लोगों से डर लग रहा है। ये लोग तो चढ़ जाएंगे अपने ऊपर ब्रो। ये लोग सीजर ब्रो, ये लोग तो हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। वो अभी आ जाएगा। हाँ तो आएगा, आएगा पक्का। इनको खेलने के लिए तो ये तो चाहिए था। सीजू कौन सा लेके आएगा? नो सेट ये मुंह में क्या है? पत्थर पत्थर है, ये लेके आना है उसको। जोड़ पहले, ठीक है? ये ज्यादा बात नहीं करता। हाँ? ये मतलब इसको प्यार भी नहीं चाहिए, बस एक बार आएगा आपको सूंघेगा, उसके बाद ये बिजी अपने काम सीजू के इधर उधर। ये जंप करता है कि नहीं? आजा सीजू, गुड बॉय, गुड बॉय। देखा, वही पत्थर लेके आना। देखियो इधर है। कहाँ? हेलो हेलो, इधर। बहुत प्यारा है यार ये। हेलो एवरीबॉडी, सो हम पहुंच गए हैं एक बहुत ही ऑफ बीट लोकेशन इन शिमला। लाइक मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट डोंट कम हियर। और हम लास्ट टाइम आए थे तब भी हमें आए थे, मैं उस टाइम पर प्रॉपर व्लॉग नहीं कर पाई थी, बट दिस टाइम आई एम गोना शो यू वेयर आर वी। और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में बताएंगे भी आपको इस जगह के बारे में। हमारे साथ है दो प्यारे डॉगोस, सीजर एंड सेकंड ब्रूटस। यस, तो वो हमको अकम्पनी करेंगे और हम लेट्स गो। लॉक तो नहीं थी। लस्सी लाए, लस्सी लस्सी। लॉक कर दिया गाड़ी। लेट्स गो, बैग वैग लेके। और ये चील के पत्ते ना स्लिपरी हैं थोड़े। ओके ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक है। चलो चलो चलो। सो मैं आपको बता रही थी कि हम कहाँ पर हैं। तो वी आर इन ग्लेन विच इज़ अ फॉरेस्ट एरिया इन शिमला। तो यहाँ पर आप जो है फॉरेस्ट वॉक के लिए आ सकते हैं। दो नॉर्मल टूरिस्ट यहाँ पर बहुत कम आते हैं। संडे आज फिर भी यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है, जस्ट वी फोर ऑफ अस। और हमारे साथ दो प्यारे डॉगोज हैं। लाइक दिस इज़ द ट्रेल एंड वी आर इन द मिडल ऑफ जंगल। या मास्क इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पर। वी आर लुकिंग मोज़रेला मशरूम या एंड दैट्स 40,000 रुपीज केजी। या इट्स वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे इंडिया का रेट है, इमेजिन अगर आउटसाइडर्स भी कंज्यूम करते तो उसका डॉलर्स में कितना प्राइस होगा। ओह गॉड। बाय द वे कैसा लग रहा है यहाँ पे? अरे यार मैं सच बता रही हूँ, मुझे ना यहाँ नेचर में आके ना कुछ तो हो जाता है। आई जस्ट हाई ऑन the vibe, high on nature, high on life, high on happiness, everything yeah. Okay, we are in the middle of jungle. Hi, मतलब यहाँ पर आके ना second time आ रहे हैं हम ग्लेन में and it feels like so good after winter. ये जो time होता है ना summer के पहले वाला, that feels like summer आ गया है definitely, but the flowers are blooming and insects की जो ये buzzing वाली जो इससे sound होती ना, आए हाय, that's everything is so pretty. हल्की सी धूप है बट जंगलों की वजह से यहाँ पर लग नहीं रही है, फील नहीं हो रही है। रादर देन गोइंग मॉल रोड और टिपिकल टूरिस्टी प्लेसेस, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस तरीके की प्लेसेस आओ। एंड एक बात जो कि हम सबको ध्यान रखनी चाहिए कि इस तरीके की ऑफ बीट प्लेसेस हम आते हैं तो हमें अपना कचरा अपने साथ लेकर जाओ अगर आप कुछ लेकर भी आ रहे हो तो। और या बिल्कुल डोंट लिटर एनीवेयर एंड या लेट्स गो। चलो बहुत बातें हो गई। डॉग में क्या लग रहा है। सो देयर इज अनदर फैमिली जो कुक कर रहे हैं यहाँ पे। Caesar, let's go, let's go. चलो। क्या हुआ? गिर जाएगा वो यार, वो बहुत नीचे चला गया। ये रहा आ गया। हो हाय रब्बा, डिंग अप। चढ़ गए। क्या क्या दिखा रहे हो आप? पता नहीं आपको। और फाइनली हम स्ट्रीम के पास पहुंच गए जो इतना स्लिपरी है। स्ट्रीम के पास जैसे जैसे जा रहे हैं बहुत आराम से चलना पड़ रहा है। और डॉग्स आर प्लेइंग। मैं सबसे आखिरी में हूँ क्योंकि मैं कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। ओके है, एक जगह पे थोड़ा रुके हैं, शेड है वहाँ पे सब बैठे हुए हैं। मैं जाके बैठती हूँ। काढ़ा लेकर जो आई थी फॉर इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ कोविड टाइम्स बना कर लेकर आई थी, इसको थोड़ा पीते हैं। अच्छा लग रहा है, काफ़ी गरम गरम, ऐसा थोड़ा ठंडा सा वेदर है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाय What you guys are doing? ध्यान से देखिए इस लड़की को, ध्यान से देखिए इस लड़की को। ये ऐसे कौन लोग होते हैं जो यहाँ पे अपना ऐसे नाम लिखने से क्या इनका प्यार अमर हो जाता है? ऐसे प्यार अमर हो जाता है? नहीं, रियल लाइफ में नहीं हो सकता। तो फिर यही लिख के, इधर लिख के संतुष्टि कर ले। गुज्जू थिंग, बैग फुल ऑफ स्नैक्स, मैं कुछ खाता हूँ। लोग इधर उधर चले गए, मुझे भूख लगी, मैं कुछ खाती हूँ। मट्ठी है, बाकी लोगों को भी खिलाते हैं आए तब। ये मैंने बनाई थी घर पे, सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी बन गई। नहीं है वो प्रोटीन बार ना, बहुत सारी है मेरे पास, बट वो बैग में मैं लाना भूल गई। क्योंकि काले घने बादल छा चुके हैं, बारिश हो सकती है कभी भी और जाना पड़ेगा। बस हो, हालत हो रही है थोड़ी सी खस्ता। मैडम क्या आपने किया आज नाश्ता? अरे खाया था उपमा। और उपमा तो पूरा कहाँ चला गया पता नहीं। एनर्जी की माँ हो गई एनर्जी की मम्मी हो गई मम्मा जी हो गई एनर्जी की, क्योंकि 4 बज गए, भूख लग रही है बहुत। और कैसा लग रहा है? काफी नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। बैक टू बिजनेस गाइस। हाँ थोड़ा बिजी हो जाएंगे वीकडेज पे। दिखा दिखा सीट में आगे तक आते हैं। नहीं आगे नहीं आएंगे बाहर हो जाएंगे। घन घोर बारिश। नहीं ठीक किया, काफ़ी भूख लग गई थी हम लोगों को। सो वी आर हियर इन ट्रिप्टी, जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे शिमला में, बेकर्स है। यहाँ से हम डिम्सम पैक करा रहे हैं और साथ में वॉलनट ब्राउनी एंड पैटी वैटी ये सब पैक करा रहे हैं और खाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही, 5 बज चुके हैं। ओह गॉड क्या बारिश हो गई है, अम्ब्रेला लेके उतरी थी मैं। कैसा लग रहा है? ये पकड़ो। शॉपिंग करके कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। हाय एवरीबॉडी, घर आ गए हम वापस। अरे अभी अचानक से उजाला सा हो गया, मैं आपको भी दिखाती हूँ। वेट, और पूरा भी अंधेरा हो गया था बट थोड़ी सी सनलाइट आई कहीं से, अब थोड़ा सा उजाला हो गया। 5:30 नहीं 6:30 बज रहे हैं, 6:30। आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी। और जो हम तृप्ति से लेकर आए थे मशरूम पैटी एंड वॉलनट ब्राउनी, वो हमने खा ली है। सो या दिस इज़ इट अबाउट टुडेज वीडियो गाइज। अभी अब 6:30 बज रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे, घर पर ही रहेंगे। मुझे वीडियो अपलोड करना है, थोड़ा सा एडिटिंग बचा हुआ है वो करूँगी, फिर वीडियो अपलोड करूँगी। आज का व्लॉग डालना है एंड मुझे ज़रूर बताना आप लोग कि आप लोगों को व्लॉग कैसे लग रहे हैं। एवरी डे आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और आप लोगों तक कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ऐसी फन मोमेंट्स पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। विल सी यू विद अनदर व्लॉग टुमोरो। टिल देन टाटा, बाय बाय, नमस्ते।